तो दो हमारा जो यहाँ पर प्रॉपर्टी जॉब तो क्या है, प्रॉपर्टी जॉब है हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ओके, थोड़ा जानना जरूरी है। ओके, पहला प्रॉपर्टी है तुम्हारा ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ये क्या आएगा, ये आएगा। एक सिंपल से एग्जांपल करें ना, डबल्स करोगे तो जरूर फिर से ये आ जाएगा। ओके, सेकंड है तुम्हारा ए और बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज डॉट क्या, शायद इसका उल्टा होता है थोड़ा, बी ट्रांसपोज डॉट, हाँ इसका ये थोड़ा उल्टा आएगा, बी ट्रांसपोज ठीक है हमारा ए ट्रांसपोज। ओके, तो देख लो, हाँ ए बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज, तुम्हारा ए ट्रांसपोज इक्वल नहीं है तो ए ट्रांसपोज डॉट बी ट्रांसपोज लिख दो तो गलत है। ओके, और ये इसका थर्ड ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज ये है, और के टाइम्स अगर है के कोई भी कॉन्स्टेंट है तो के बाहर आ जाएगा। ओके, तो तुम्हारा ए ट्रांसपोज डॉट बी का होल ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज। उसके बाद थर्ड है तुम्हारा ए ट्रांसपोज प्लस ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस क्या बी ट्रांसपोज। ओके, अगेन फोर्थ है के टाइम्स ऑफ द ए ट्रांसपोज इक्वल टू के को बाहर रख सकते हो, के कोई भी कॉन्स्टेंट हो। ओके, के को बाहर रख सकते हो इक्वल ए ए ट्रांसपोज। ओके, सब तुम्हारा ऐसा है कि सब तुम्हारा ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4, सब इसका एग्जांपल देता है, इसमें 5 अगर मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट के फॉर कॉन्स्टेंट। ओके, इसका क्या ट्रांसपोज है, होल ट्रांसपोज है। ओके, तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा ये इसका बाहर आके ये रहेगा, नहीं तो ऐसा है तुम्हारा सपोज ये है, ये 5 है, ये 5 है, ये 10 है, देन तुम्हारा ये 15 है और ये 20 है, इसका ट्रांसपोज है। तो तुम 5 निकाल के ये तुम्हारा ऐसा होगा, 5 कॉमन ले लोगे सभी में, और देन ये 5 इंटू, ओके 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज मीन्स इसका जो वैल्यू आएगा इसका भी वही वैल्यू आएगा। ओके, देखोगे तुम्हारा इसका जो वैल्यू आएगा इसका भी वही वैल्यू आएगा। ओके, देखते हैं कि कैसे, देखते हैं इसका पहला ट्रांसपोज बोलो, इसका इसका जो वैल्यू आएगा उसका भी वही वैल्यू आएगा, इसका ट्रांसपोज आएगा कितना, रो को कॉलम में लिखो, सॉरी रो को कॉलम में लिखो 5 10। ओके, ये रो को कॉलम में लिखो 5 20 15 ना, हाँ 15 20, 5 10 15 20, इस रो को कॉलम में लिखे, इस रो को कॉलम में लिखो, देन 5 आप पहले बाद में लिखो, ये एल एच एस किए और ये आर एच एस, देन ये 5 इसका ट्रांसपोज करो, रो को कॉलम में लिखो, ये रो को कॉलम में लिखो, रो कॉलम में लिखो, रो को कॉलम में लिखो, देन तुम्हारा एरो कलम, एरो को कलम लिखो, हाँ इसको ट्रांसपोज कर दिए, ये बात एरो को कलम, एरो को कलम, देन तुम्हारा इसे इंटू करो सही में 5 15 10 20, तो देख रहे हो कि दोनों क्या वैल्यू क्या सेम है। ओके, देन तुम्हारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है तुम्हारा ए अगर ए ट्रांसपोज होता है देन सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है। ओके,
ए और ए ट्रांसपोज आई ये करोगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ये दोनों इक्वल होता है, सपोज मैं अभी बोल रहा था 1 3 3 5, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं चेक करेंगे, तो इसका ए ट्रांसपोज करो, अगर ये दोनों इक्वल होगा, ए और ए ट्रांसपोज इक्वल होगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका ट्रांसपोज बनाओ, क्या रहा है 1 3, ये रो को कॉलम में लिखो 3 5, यहाँ पर देख रहे हो दोनों क्या इक्वल है, ए इक्वल क्या ए ट्रांसपोज है, जब ये इक्वल है यानी कौन सा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, और एक बात है, कोई भी मैट्रिक्स लेते हो उसका ट्रांसपोज ऐड करोगे तो रिजल्ट आएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यों बुलाता हूँ, इस मैट्रिक्स को मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यों बुलाया, उसका जब ट्रांसपोज में क्या किया ये किया, जब उसका ट्रांसपोज किया क्या ये और क्या इस दोनों को इक्वल हुआ, इसलिए इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, कोई भी मैट्रिक्स लो, सपोज ये है 3 -1 2 4, ए ट्रांसपोज क्या है, ए ट्रांसपोज क्या है द्वारा 3 -1, रो को कॉलम में लिखो, रो को कॉलम में लिखो, अब इन दोनों का ऐड करो, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा 6 -1 + 2 कितना 1, 2 - 1 क्या 1, ये 8, ऐड करो तो 4 + 4 = 8, दैट दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वाई वाई दिस मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो इसका क्या है कि जिसका ट्रांसपोज करोगे तो वही आएगा। ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, कोई भी मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज ऐड करोगे जो मैट्रिक्स मिलेगा वो कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है, अगर ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, दैट इज कॉल्ड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, देखो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा लेते हैं, ये तुम्हारा ये जो है ए प्लस ए डैश, तो कौन सा आएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। ओके, हाँ तुम्हारा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए प्लस ए डैश, लेकिन ए माइनस ए डैश जो है स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक जो है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ये डायगोनल एलिमेंट 0 होता है। ओके, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको ट्रांसपोज करोगे ए इक्वल टू क्या माइनस ए ट्रांसपोज होगा, और एक बात ध्यान देना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल इज व्हाट 0। ओके, वी आर गोइंग टू, अच्छा देन तो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि सपोज ए है 0 - 1, ये +1 0, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका ए इक्वल टू क्या होगा माइनस ए ट्रांसपोज होगा। अच्छा, इसका ए ट्रांसपोज क्या है, अच्छा माइनस ए ट्रांसपोज बोलो, अच्छा माइनस रहेगा उसके ए ट्रांसपोज बोलो। ओके, माइनस ए ट्रांसपोज कर रहा हूँ तो तुम्हारा ये 0 - 1, 0 - 1 और क्या, और ये 1 0 है, पहला इसका ट्रांसपोज कर दिया, पहला ये वाला पार्ट किया
ओके, इसके बाद माइनस मल्टीप्लाई करूँगा, ये जीरो माइनस वन और क्या ये वन जीरो, यहाँ हम देख रहे हो ए इक्वल टू क्या माइनस ए ट्रांसपोज, देन ये तुम्हारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, सपोज और एक एग्जांपल देते हैं कि सपोज बी है जीरो, ये जीरो, इसका डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा, ये टू थ्री फोर, ये माइनस टू माइनस थ्री ये फोर, इसका डायगोनल एलिमेंट ये माइनस फोर, ये तो स्क्यू सिमेट्रिक है। इसका बी ट्रांसपोज क्या होता है, माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज करते हैं, मीन्स ये रो को कॉलम में लिखेंगे जीरो टू थ्री, इस रो को कॉलम में लिखेंगे कि ना माइनस टू जीरो फोर, इस रो को कॉलम में लिखें, इस रो को कॉलम में लिखेंगे माइनस थ्री माइनस फोर जीरो, तो इसको फिर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारा क्या होगा। ओके, यह आएगा जीरो टू और क्या थ्री, और ये माइनस टू जीरो फोर, और ये माइनस थ्री माइनस फोर क्या जीरो। नाउ दिस मैट्रिक्स इज ए बी इज ए कॉल्ड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बिकॉज बी इक्वल टू माइनस बी ट्रांसपोज। इसकी एक बात ध्यान देना, इसका डायगोनल एलिमेंट जीरो है। ओके, और एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि कोई भी मैट्रिक्स लो, उसको माइनस ए ट्रांसपोज करो, जो रिजल्ट आएगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाएगा। कोई भी मैट्रिक्स लो, उसको ट्रांसपोज माइनस कर लोगे, जो रिजल्ट आएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। कैसे, सपोज ए एक तो लो थ्री फोर फाइव सिक्स, ओके सर टू फोर फाइव सिक्स, ओके उसके ए ट्रांसपोज बनाओ, ए ट्रांसपोज बनाओ, ए ट्रांसपोज क्या होगा तुम्हारा टू फोर फाइव सिक्स। ओके, देन अभी ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा जीरो फोर फाइव, फोर प्लस माइनस फाइव माइनस वन ये वन, और सिक्स माइनस सिक्स जीरो, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, क्योंकि इसका डायगोनल एलिमेंट जीरो है, ये माइनस है प्लस वन। और एक अभी मैं बोला था ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या आ रहा है फोर नाइन नाइन और क्या ट्वेल्व, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये डायगोनल जीरो, एक इक्वल है, ये डायगोनल एलिमेंट इक्वल है। ओके, और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ओके प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा। ओके, अच्छा हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज देखो, हाफ ऑफ ए, ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि हाफ ऑफ है सिमेट्री मैट्रिक्स प्लस हाफ ऑफ उसी का स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स इक्वल टू ये आएगा। ओके, देखो हाफ ऑफ इसका हाफ बनाओ कितना आएगा, इसका हाफ बनाओ ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना आएगा टू थ्री बाई टू, ये थ्री बाई टू क्या सिक्स, इसका हाफ बना दिए, इसका हाफ बना दिए हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, हाफ ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इसका हाफ बनाओ कितना आएगा, इसका हाफ बनाओ हाँ ये आएगा जीरो माइनस वन बाई टू, वन बाई टू और क्या जीरो, इनको ऐड करो ये टू, ये बेस से मैं हाँ ये टू बाई टू वन आएगा, देन ये ऐड करो फोर बाई टू क्या टू और सिक्स। ओके, देखो तुम्हारा ये आया कि नहीं, और ये क्या लेते हैं टू फोर फाइव सिक्स, तो ये भी क्या आया
तो बच्चे शायद कुछ गलत है, ये माइनस शायद होगा। कितना हुआ? शायद माइनस है। तारको और हमारा ये तो ठीक है, ये हाफ ऑफ दिस स्क्यू सिमेट्रिक और ये उसका तो ठीक है, हमारे का गलत हुआ तो नहीं। अच्छा तो कहाँ गलत, हमारा क्या आया 2126 हो तो 26 हो तो क्या था 2126, ये तो हमारा 56 था। अच्छा तो फिर से थोड़ा देखो, ये ए है इसका ट्रांसपोज ठीक है, तो 25 ये था, ए माइनस ए ट्रांसपोज कितना 0, एम माइनस ए ट्रांसपोज क्या ठीक है 0 माइनस 1 और ए प्लस 1 0, ए प्लस ए ट्रांसपोज थोड़ा चेक करो 4 9 9 एंड 12, इन दोनों काट करो, हाफ पहले बनाओ, हाफ ऑफ कितना, ये 9/2 होगा, ये हाँ ये 9/2 है, ये कितना हुआ हाफ ऑफ ए प्लस एक्स्ट्रा जो ये 2 है, ये भी क्या 9/2, ये 9/2 ये भी 9/2 ओके, तो ये कितना होगा 2456, तो वही था हमारा क्या ए। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखो, ये हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज ये भी एक सिमेट्रिक होता है, हाफ भी करोगे लेकिन हाफ ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस हाफ ऑफ ए क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज रिजल्ट ऑफ हार्ट ए, और कोई भी मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज ऐड कर दो कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा, जो रिजल्टेड मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट करोगे द रिजल्टेड मैट्रिक्स इज ए क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट क्या